हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लास। देखिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना TMA फाइनल लॉ सब्जेक्ट। आपने इससे पहले एक वीडियो, इंट्रोडक्शन की वीडियो देख चुके हैं आप, जिसमें आपको बताया गया है कि आखिर आपका सब्जेक्ट क्या है, कितने पार्ट्स में, कितने मार्क्स हैं, सेक्शंस वाइज सब बताया हूँ। मैं इस क्लास में आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो लॉ के लिए इम्पोर्टेंट। हालांकि आपने ना इंट्रोडक्शन के अलावा एक और वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने ये भी बताया कि आखिर आपको अपना ये लॉ सब्जेक्ट जो आपने हमसे परचेज किया वो कैसे पढ़ना है। पहले आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, देन MCQs पढ़ने हैं, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, देन हमारे रेगुलर टेस्ट चलते हैं वो अटेम्प्ट। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर लॉ के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चे, जैसा कि आपको पता है, आपका जो कोर्स है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो कि आपके 16 मार्क्स का है, और सेक्शन बी जो कि आपके 40 मार्क्स। कुछ अटेम्प्ट पहले की अगर मैं बात करूं, आज से 4-5 अटेम्प्ट पहले, आज से 4 से 5 अटेम्प्ट पहले हम ये बोलते थे नॉर्मली स्टूडेंट्स को यार एक काम करो, जो आपका सेक्शन ए है ना, या मोस्टली सेक्शन ए के अंदर जो कंपनीज एक्ट है ना आपका, उसमें आप टोटल मिला के 4 से 5 चैप्टर पढ़ लो, बाकी चैप्टर छोड़ दो, बाकी चैप्टर छोड़ दो। अगर मैं बात, अच्छा मैं आपसे बोल रहा हूँ, 4-5 अटेम्प्ट पहले हम ये बोलते थे। और मैं बात करूं कि अगर हम बहुत पहले क्या बोलते थे, पहले हम बोलते थे कंपनीज एक्ट में 2 ही चैप्टर पढ़ लो। मतलब आप ये लगा लो कि 2017 से पहले, बिफोर 2017, हम 2 चैप्टर बोला करते थे, ये पढ़ लो, डायरेक्टर एंड मीटिंग, और उसी में से कंपनीज एक्ट में से पेपर आता। 2017 के बाद अब ये बोलने लगे कि यार कुछ चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर 1 कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्सन, चैप्टर 3 डिविडेंड, चैप्टर 4 अकाउंट्स एंड ऑडिट का अकाउंट्स वाला पार्ट, चैप्टर 5 डायरेक्टर, और चैप्टर 6 मीटिंग। ये 5 चैप्टर पढ़ लो, 1, 3, 4, 5 से, बाकी पूरा कंपनीज एक्ट छोड़, ये बोलते थे। लेकिन 2020 के बाद में क्या बोलने लग गए, और जो आपके लिए अब एप्लीकेशन, कंपनीज एक्ट के अंदर से एक सिंगल चैप्टर भी नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट का एक एक चैप्टर, एक एक चैप्टर आपको पढ़ना है उसके। अच्छा, सेक्शन ए में एक तो कंपनीज एक्ट है, वो आपको पूरा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है वजह बताऊंगा, अभी बताऊंगा। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी है सेक्शन ए में, वो तो पढ़ना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो पढ़ना है। मतलब सेक्शन ए जो है 60 मार्क्स का, उसमें से आपको एक सिंगल नंबर का चीज नहीं छोड़नी है, जो आपको क्लासेस में हमने पढ़ाई है वो पूरा का पूरा पढ़ना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले कुछ अटेम्प्ट से देखोगे ना, तो पिछले कुछ अटेम्प्ट से जो चैप्टर पहले हम इंपोर्टेंट बताते थे, ये उनमें से कम मार्क्स के आ रहे हैं, और बाकी चैप्टर जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उन्हीं में से ज्यादा मार्क्स का, इसलिए बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है। तो याद रखिए, सेक्शन ए में से एक सिंगल चैप्टर मत छोड़ देना, गलती से मत छोड़ देना, बिलीव मी मत छोड़ना। बिलीव नहीं होता है आपको इस बात का, तो इस बात का ना पूरा डिटेल हमने दिया हुआ है, पूरा डिटेल। आप ये देखो, डिविडेंड चैप्टर 0 मार्क का, अकाउंट्स एंड ऑडिट 0 नंबर का, डायरेक्टर चैप्टर 0 मार्क्स का, मीटिंग चैप्टर 0 मार्क का, और बाकी जो चैप्टर है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट 18 नंबर का आया है आपके एग्जाम में, इंस्पेक्शन 8 नंबर का, ऑपरेशन मैनेजमेंट 8 नंबर का, कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन 14 मार्क्स का। तो इसलिए आप ना सेक्शन ए में से एक सिंगल चीज मत छोड़ ना, कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ना है, IBC पूरा पढ़ना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा पढ़ना है। बात आती है सेक्शन बी की, सर इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ें? इसके लिए मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, वैसे तो हमेशा ये सजेशन होता है कि पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ो, कुछ मत छोड़ो, पर अगर आपको टाइम कम है आपके पास में, या आपने लेट पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो फिर उस केस में कंपटीशन एक्ट तो करके जाना ही जाना, करना ही आप, प्रेमा आपको करना ही करना है,
बिल्कुल करना है। उसके अलावा दो नए चैप्टर ऐड हुए हैं, मतलब इसमें पहले नहीं थे, अब दो चैप्टर नए आ गए न्यू सिलेबस के अंदर। वो क्या है, एक तो एमएसएमई वो पूरा पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी वो पूरा पढ़ना है। सर क्या उसमें से एग्जाम में आते हैं? भैया उसमें से एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है। देखो एमएसएमई 8 नंबर का आया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी 10 नंबर, तो ये पढ़ लो। सर बैंकिंग वाला छोड़ दें या इंश्योरेंस छोड़ें, इनमें से कोई एक छोड़ दो, इंश्योरेंस छोड़ दो, बैंकिंग पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, सेबी अगर छोड़ना चाहो छोड़ सकते, पर कंपटीशन एक्ट नहीं छोड़ सकते, फेमा, ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो अदालत में पढ़ दे। और बैंकिंग इंश्योरेंस में से एक बैंकिंग पढ़ लो, इंश्योरेंस भले मत पढ़ो क्योंकि ज्यादातर वो और में आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सेक्शन बी में से छोड़ के ही जाने हैं ये चैप्टर, आप इस बात को ऐसे मत लेना। मैं बोल रहा हूं उन बच्चों के लिए कि जो पूरा नहीं पढ़ पा रहे और बोल रहे हैं सेक्शन बी में से क्या क्या पढ़े, तो कंपटीशन एक्ट जरूरी है, फेमा जरूरी है, बैंकिंग वाला पढ़ लो, सेबी को छोड़ दो, इंश्योरेंस को छोड़ दो, और अगर टाइम मिलता है तो ये दो चैप्टर भी पढ़ लो। सेक्शन ए में से एक सिंगल चैप्टर मत छोड़ देना, गलती से मत छोड़ देना। और पढ़ने का तरीका बहुत बार बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, पहले भी बताया है आपको, जैसा हम पढ़ाते हैं, सबसे पहले आपने चैप्टर पढ़ा जो कि हमने स्टडी मटेरियल के थ्रू पढ़ाया हुआ है, मतलब अपने नोट्स से लेकिन पूरा मॉड्यूल फॉलो किया हुआ है, एक एक टॉपिक हमने पढ़ाया एग्जाम्पल के साथ इजी लैंग्वेज में, और पढ़ाते वक्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हाथ के हाथ सॉल्व कराए थे, टॉपिक कंप्लीट हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका फिर एमसीक्यूज की क्लासेस आपको दी गई है वो पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस अलग से भी दी गई है, चैप्टर के अंदर तो सॉल्व कराया ही कराया, अलग से भी दी गई है वो सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद में रेगुलर टेस्ट चलते हैं, आपको पता है पहले चैप्टर वाइज चलते हैं, देन हाफ सिलेबस, देन फुल सिलेबस, फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, फिर चैप्टर वाइज सब बच्चों की कॉपी, आंसर कॉपी पर्सनली चेक होती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास आपको दी जाती है, केस स्टडीज, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का लिखने का तरीका कैसे हो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए वो करना है आपको, तब जाकर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तब जाकर आप फाइनली एग्जाम के लिए प्रिपेयर, इसी तरीके से पढ़ना है। और फिर बोल रहा हूं सेक्शन ए में से कुछ नहीं छोड़ना है, सेक्शन बी का मैंने आपको, मिलते हैं बच्चे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फर्दर आगे वाली क्लास के अंदर, टिल देन थैंक यू, टेक केयर वेरी मच।